लखीमपुर खीरी घटना की आम आदमी पार्टी वालों निखेधी की गई है। आज आम आदमी पार्टी का वफद लखीमपुर खीरी जाएगा। तो दस दिए कि राघव चड्ढा ते हरपाल चीमा वफद च मौजूद रहेंगे। आपने केंद्रीय गृह राज मंत्री दे बेटे दी गिरफ्तारी दी मांग की है ते कहा है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा नु भी बर्खास्त किया जाए। वड्डी खबर तुहानू दस दिंदे आं, लखीमपुर खीरी घटना की आम आदमी पार्टी वालों भी निखेधी की गई है। अज आम आदमी पार्टी का वफद लखीमपुर खीरी जाएगा। राघव चड्ढा ते हरपाल चीमा वफद मौजूद रहेंगे। आपने केंद्रीय गृह राज मंत्री के बेटे की गिरफ्तारी की भी मांग की है ते कहा है कि केंद्रीय गृह राज मंत्री अजय मिश्रा नू बर्खास्त किया जाए। अब ये जो काले अंग्रेज जो नरेंद्र मोदी जी की भाजपा सरकार है, योगी आदित्यनाथ की भाजपा सरकार है, ये गाड़ियों के नीचे देश के किसान को रौंदने का काम कर रहे हैं। और आम आदमी पार्टी की पंजाब यूनिट की एक डेलीगेशन अभी इसी समय यहां से रवाना हो रही है, चंडीगढ़ से रवाना हो रही है और सीधा लखीमपुर खीरी जाकर तीन मांगे, तीन चीजें हम लोग प्रशासन के सामने रखने जा रहे हैं। पहली चीज कि जिस भाजपा के लाडले बेटे ने अपनी गाड़ी से किसानों को रौंदने का काम किया उसे इमीडिएटली अरेस्ट किया जाए, गिरफ्तार किया जाए। दूसरी मांग जो हम रखने जा रहे हैं वो है एक निष्पक्ष जांच की, एक इंडिपेंडेंट जुडिशियल प्रोब इस मामले में करी जाए और दोषियों को सजा दी जाए। तीसरी और सबसे जरूरी मांग, केंद्रीय गृह राज्य मंत्री मिनिस्टर ऑफ स्टेट होम अफेयर्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अजय मिश्रा को इसी समय बर्खास्त किया जाए। जब तक अजय मिश्रा अपनी मंत्रालय पे एमओएस होम का चार्ज लिए सीट पर कुर्सी पर बैठे हुए हैं, एक निष्पक्ष जांच नहीं की जा सकती। इसलिए नहीं की जा सकती क्योंकि वो गृह मंत्री हैं। पुलिस से लेकर सारी जांच एजेंसियां तक गृह मंत्री को रिपोर्ट करती हैं, उनके दायरे में आती हैं। तो जब जांच एजेंसी बाप की तो वो बेटे को कैसे गिरफ्तार होने देगा। बीजेपी दे गुंडे लगातार चाहे दिल्ली दिया बरूहां ते हमले होए, चाहे पंजाब च होए, पहला यूपी दे विच होए, हुण कल दी जिहड़ी दिल दहलाउण वाली घटना की जिहड़ी लखीमपुर दे विच होई आ, मैं समझदा इतिहास दे विच कल काला दिन लिखिया गया। मैं समझदा एक लोकतंत्र का कतल जिहड़ा हैगा उह देश विच हो रहा है। और इस तों बिना अणऐलानी एमरजेंसी जिहड़ी आ उह यूपी सरकार ने, योगी साहब की सरकार ने, देश के प्रधानमंत्री मोदी साहब की सरकार ने ला रखी हैगी। सो अज आम आदमी पार्टी का एक वफद जिहड़ा हैगा जिहदे विच मैं जाऊँगा, ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਹਿ ਪ੍ਰਭਾਰੀ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਹੋਣਗੇ, ਪ੍ਰੋਫੈਸਰ ਬਜਿੰਦਰ ਕੌਰ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਤੋਂ ਐਮਐਲਏ ਨੇ ਉਹ ਹੋਣਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਕਲਤਾਰ ਸਿੰਘ ਸੰਧਮਾ ਜੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਸਾਡੇ ਐਮਐਲਏ ਵੀ ਨੇ ਔਰ ਕਿਸਾਨ ਵਿੰਗ ਦੇ ਆਗੂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਅਸੀਂ ਸਾਰਾ ਇੱਕ ਡੈਲੀਗੇਸ਼ਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਜਾ ਰਹੇਗੇ, ਜਾ ਕੇ ਲਖੀਮਪੁਰ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਾਂਗੇ, ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਹਮਦਰਦੀ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨੀ ਆ ਔਰ ਤਿੰਨ ਮੰਗਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਘਵ ਚੱਡਾ ਜੀ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸੀਆਂ ਨੇਗੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਮੰਗਾਂ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰੂਗੀ। ਦੋ ਹਜ਼ਾਰ ਬਾਈ ਦੇ ਚੋਣ ਮੁਕਾਬਲੇ ਦੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਜੰਗ, ਹੁਣ ਹੈ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਰੀ, ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਖਤਮ ਹੋਈ ਪਾਰੀ, ਪੁੱਛਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਸਵਾਲ, ਇਹਨੇ ਸਾਲ ਕਿੱਥੇ ਰਹੀ ਸਰਕਾਰ, ਮੁਫ਼ਤ ਬਿਜਲੀ ਮੁਫ਼ਤ ਸਹੂਲਤਾਂ, ਵਪਾਰ ਲਈ ਨਵਾਂ ਕੀ, ਉਦਯੋਗ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਆਏਗਾ ਸਾਥ, ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦੀ ਵੀ ਪਾਵਾਂਗੇ ਬਾਤ, ਖਬਰ ਹਰ ਪਲ ਦਿਨ ਹੋਵੇ ਜਾਂ ਰਾਤ, ਜਨਤਾ ਕਰੇਗੀ ਤੈਅ, ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਤੋਂ ਨਤੀਜਿਆਂ ਤੱਕ ਹਰ ਅਪਡੇਟ ਪਹੁੰਚਾਵਾਂਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਤੱਕ। 2022 ਕਿਸ ਦਾ ਪੰਜਾਬ।